फर्स्ट एड तेरे चैनल पे. आई कांट बिलीव इट. दिस इज लाइफ. ऑसम. अभी दो एड्स और दिख रहे थे कि यहाँ पर एक और मेरे अभी एक्चुअली आंखें काफी दुख भी रही है बहुत ज्यादा. ज्यादा प्रेशर करते हैं ना तो प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा. और फिर दिन भर मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ दिन भर. 32 बट वो स्फेरिकल और वो जो दो तरह के नंबर होते हैं वो हो जाएंगे ना सही से क्योंकि एक बार कहीं और से बनवाया था तो उसमें ही प्रॉब्लम आई थी. क्या प्रॉब्लम आया था आपको? उन लोगों ने मतलब सही से दोनों तरह के जो बनते हैं एक ही लेंस में शायद दो कुछ होता है वो नहीं किया था. स्फेरिकल नंबर था. तो मुझे बहुत अमृता शास्त्री. आपको राइट में -1 में 0.5 नंबर है. ओके. हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कशी है? हाँ अगस्त्य. वाह 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 अगस्त्य कुटे साइड से. हाँ छोटी सी बनियान पहन के डायपर हे क्या करते होती उषी देख गे. अरे बोबरे क्या वीडियो ले लो ऐसा. ये बोल रहा है ये वीडियो आप मत करना नहीं तो तुझे बता दूंगा.
अगस्त्य लेकिन ये सोफे के नीचे तो आई अभी भी जाता है, रोज रात को सोफे के नीचे मिलता है। अगस्त्य आई सुबह सुबह सोफे के नीचे मिलता है। अगस्त्यता अगस्त्य बस बस सर अगस्त्यता अब उसको कुछ नई चीज मिल गई है ना। टेस्टी है गूसबेरी खा रहे हैं अगस्त्य है ना, तो नहीं खाए थे सालो। ये है मतलब इसका फाइनल कलर जो है। Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another vlog. तो आज जो है वो बन रही है दाल बाटी, जो कि एक बहुत ही फेमस राजस्थानी डिश है। ये हम लोगों के एमपी में भी काफी बनाई जाती है, तो बचपन से हम लोग दाल बाटी खाते हुए आए हैं। आज जो है वो मेरा वैक्सीनेशन भी है, इसलिए हम लोग फटाफट से खाकर और निकलेंगे। तो रोहित ने बोला है कि यू हैव टू बी फुल, उसका वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अभी जब से गवर्नमेंट ने फ्री स्टार्ट किया वैक्सीनेशन, राइट, यहाँ पर काफी सारे सेंटर्स में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है ऑन द वीकेंड्स, तो हम लोग वहां जाने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली सी द रेसिपी ऑफ दाल बाटी कैसे बनानी है। और आज जो है मैं बाटी इस माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ पर वो जो ट्रेडिशनल ओवन होता है, राइट, जो घर पे होता है वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस पे बना रहे हैं। पहले भी एक बार मैं बना चुकी हूँ, सो आई होप इट्स गोइंग टू बी गुड। अच्छा, ये ना इसमें हमें कन्वेंशन मोड यूज करना पड़ता है, तो अगर आप भी दाल बाटी बनाना चाहते हैं और अगर आपके पास ओवन नहीं है, देन डू कीप वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको पूरा प्रोसेस फटाफट से बता दूंगी कि कैसे आप इसमें दाल बाटी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी दाल बगाड़ लेते हैं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अगस्त्य हाय मुकुवाव, वाव अगस्त्य हाय हाय वाव आई लव यू अगस्त्य आई लव यू। अच्छे से मम्मी भी हो गई अभी मस्त। आई लव यू हाय से हाय हाय गाइस Hi guys।
तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल. सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. यू गाइज हेल्प मी रीच देयर. और जो लोग यू नो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. आई ओ यू गाइज अलॉट. यू नो एक यूट्यूबर के लिए थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू फॉर ऑल योर लव. थैंक यू सितंदर अगस्त्य. अगस्त्य से फ्लाइ दोनों ने किसी वेरी गुड. बाय बाय. तन्ना किसी दे. अच्छा हाय करते हुए. अरे 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 अगस्त्य तिकड़े नहीं जाए, बैठो. हाथ नहीं लावायचा. से हाय. ओ सेल्फी स्टिक हवी. सेल्फी स्टिक. गाइज अगर बच्चे ऐसे जिद करें ना तो उनको मत दीजिएगा मोबाइल. नो से नो. नो लर्न टू से नो. ओ लर्न टू से नो. अगर से किसी दम दे मम्मा लाइक पहले और ये बॉबले किसी. गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद. ये देखो इसको, ये अभी ये चिढ़ गया है. ये आजकल ये चिढ़ने लगा है. बहुत ऐसी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में. तो गाइस चलिए माइक्रोवेव में हम लोग बाटी बना लेते हैं. रोहित रेडी? बिल्कुल. चलो. अगस्त इज ऑल्सो रेडी. यस. तो आपको ना माइक्रोवेव में दो ग्रिल होते हैं. हाँ, तो या तो आप बड़ा वाला ले लें या फिर छोटा वाला. बट आई वुड सजेस्ट छोटे वाले ग्रिल पर कीजिए. बड़े वाले ग्रिल पे जलने के चांसेस होते हैं. तो इस वाले ग्रिल पे हम लोग बाटी को रख देंगे. उसके पहले आपको क्या करना है, माइक्रोवेव को प्री हीट करना है. तो इसे बंद कर दीजिए एंड देन इसे बंद करके विंडो खोल लेते हैं. सो लेट्स प्री हीट. नहीं, एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं है. सो यू वुड सिलेक्ट कन्वेंशन मोड एंड देन यू वुड स्टार्ट. तो ये ऑटोमेटिकली प्री हीट हो जाता है. तो ये हमारा प्री हीट हो चुका है. अब अपन इसमें रख देते हैं. तुम रखोगे धीरे से उठा के? चलो इसके सहारे लेते हैं. हाँ, वैसे भी एक्चुअली प्लेन ज्यादा सही रहेगा. ठीक है. ओके. तो ये स्टॉप करना? नहीं, ये स्टॉप नहीं करना होता है. प्री हीट हुआ है ना, लेट्स जस्ट रख दो. तो ये आपने रख दिया. Close it. Select 10 minutes. Start. ठीक है, मुझे अपनी बाटियां हो जाएगी. सोच रहा है कब तक बनेगा ये, है ना? सोच रहा है आज क्या बन रहा है ना? सोच रहा है. वो है माइक्रोवेव है बेटू. हेलो मंटा, माइक्रोवेव ओवन है पूछ रहा है का है ना? है का है कस्ते माइक्रोवेव ओवन पर हे कसं आतमध्ये आपलं ते बनत आहे जेवण, है ना? हे आतमध्ये आपलं हे जेवण बनत आहे ना. आज अगस्त हे खाणार आहे ना दाल बाटी. खाणार आहे. वाव अगस्त खाणार आहे ना दाल बाटी. हॅलो. अच्छा आता मम्माला किशी देऊन दे लवकर. मम्माला किशी देऊन दे भैया. मुकू माव दे अगस्त मम्माला किशी देऊन दे. मुकू
कल का स्टेटस देख ले एक बार। हाँ चलो। काय विचारतोय? हाँ हे हे काय हे काय बापरे कस फिरतोय ना है ना मुकु है ना मुकु काय 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 म्हणतोय? अच्छा घे आता हाँ फटाफट दाल कर लेती हूँ। अरे बापरे बावन जेवन दिला। वैक्सीनेशन लगाने जाना है आज। कितना पसंद है यार क्या खा रहा है? अगर से काय खाते हो बेटी? क्या खा रहा है माऊ कुकु माऊ चुकु क्या खा रहा है? भी मनी प्लांट देखो कितना अच्छा लगा रहा है ये बताओ एक बार। तो गाइज ये एक दिन अगर आप मेरा एक व्लॉग अभी अपलोड होगा अभी तक हुआ नहीं होगा, जब ये आएगा तब तक वो वाला हो चुका होगा। तो उस दिन ये मनी प्लांट हम लोग एक जगह से तोड़ के लाए थे, बहुत ही सुंदर था। किसी दे वाला देख प्लीज, अगर से प्लीज किसी दिन दे। थैंक यू। दे दे इसने मम्मा को नहीं दे रहा, मम्मा को भी दे देगा एक मिनट। तो डाल तो मम्मा ने किसी दिन देगा सर प्लीज। मम्मा ने किसी दे बाप रे माय गॉड कितने नाटक कर रहा है किसी दे, वो देख भी नहीं रहा है, देख इसको। हेलो भाई साहब। हेलो हेलो किसी लड़ने में मना लो कर देखो। वेरी गुड इगल्डिन इगल्डिन। चल मम्मा तो ले ले इसको। आई लव यू बेटे। आई लव यू आई लव यू। आता काय झालं बेटू? काय झालं तिकडे किती गर्मी होती है। आता आपलं जे बाटी झाली की आपण एसी लावून ठेवू, हा खिडकी बंद करून केला नाही तो अब देखते हैं अपनी बाटी होगी कि नहीं। इसको स्टॉप कर देते हैं। लेट्स ओपन। ओके तो नाउ वी आर एक्चुअली लुक्स के हो चुकी है, अभी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इफ यू वॉन्ट अपन 5-1 मिनट और कर सकते हैं, वरना वी आर गुड टू गो। अगस्त्य अगस्त्य हाय हाय वाह। मौसम कैसा हो रहा है ना अगस्त्य, बारिश वाला? तो गाइज यू नो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मुझे वैक्सीनेशन लगवाने जाना है, थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज बुखार उखार आ जाए या फिर यू नो तबीयत खराब हो जाए, बिकॉज इतने सारे आप न्यूज़ में अफवाहें सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार क्या करूँ। बट रोहित इज लाइक अ डायमंड एंड एवरीबडी इज आस्किंग अमृता ने लगवाया क्या लगवाया क्या, बिकॉज रोहित का जो है वो पहला डोज हो चुका है। तो आई हैव नो ऑप्शन बट आई हैव टू गो एंड टेक द वैक्सीनेशन, तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। अगर बुखार आता है तो ऑफकोर्स आई विल टेक रेस्ट फॉर 2-3 डेज, बट वैक्सीनेशन अवॉइड करना इज नॉट acceptable, right? यार definitely vaccination बिल्कुल avoid नहीं करना चाहिए। In fact vaccine everybody should go and take the vaccine, trust करना तो बनता ही है यार, और कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद लिया था ना तो मतलब मेरा experience भी ऐसे ही था। मैं normally गया था कि ऐसा सोच के नहीं गया था कि कुछ भी होगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुखार आ भी रहा था नहीं भी आ रहा था, तो it's not necessary, depend करता है body type पे आपके।
मतलब हम लोग रेडी थे कि अगर बुखार आता भी तो ठीक है अगस्त को मैं संभालूंगी और ऑफिस से मैं छुट्टी ले लूंगी या जो भी है, हम लोग उस तरह से पूरा ऑलरेडी प्रिपेयर थे, पैरासिटामोल लाके रख लिया था तो रोहित को, बट हाँ ये हाथों में पेन हो रहा था और थोड़ा सा बैक साइड का पेन हो रहा था मुझे, और सेकंड डे मुझे ऐसा लगा कि बुखार आ रहा है जो कि थोड़ा सा आ भी रहा था लेकिन उतर गया था, अपने आप उतर गया था रोहित को, तो हल्का सा बुखार आया था और फिर अपने आप चले गए, उसे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दिन में काफी वीक लग रहा था नेक्स्ट डे, और फिर शायद तुम सो गए थे और फिर उठे थे तो फ्रेश लग रहा था। यस, तो होपफुली मेरे साथ भी ऐसा हो रोहित, बिल्कुल ऐसा ही होगा यार, फिंगर्स क्रॉस्ड। और सबसे मेरे यार हर जगह अगस्त को लेके जाना, मतलब हम नहीं ले जाना चाहते बट कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है उसको संभालने वाला घर पे, किसको छोड़ के चले जाए। तो गाइज अब चलो, दाल तो बन गई है भैया अपनी, अब इसको हम बंद कर देते हैं, और बाटी भी हो गई है, कितनी टेस्टी लग रही है ना। ओके, ये ना तुमको निकालनी पड़ेगी, तो आप कर दो बंद एंड देन बिल्कुल भी गोदी से नीचे उतार नहीं सकते आजकल, और मैंने सुना था बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे जिद्दी होते जाते हैं, जो कि सच प्रूव हो रहा है यहाँ पे। अगस्त नो से हाय, आई लव यू ऑल। हाँ। क्या दाल का कलर दिख रहा है, क्या बाटियां दिख रही है, हम गरम है।